Hello, future doctors. Welcome to Tibetanism. I am Dr. Dipen Shah, and for the NEET students, I have a special series ready where we are going to discuss unit-wise diagrams of all the chapters which are going to help you for your NEET exams, which will revision mein bhi help karega. So, your time will save hoga aur ek saath sabhi diagrams aap log go through karoge, kyunki NEET mein diagram-based questions bhi aate hain jahan pe लेबलिंग्स या उसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और उसके ऊपर कोई एमसीक्यू आ सकता है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डायग्राम फ्रॉम यूनिट वन, हम लोग डाइवर्सिटी पूरा आज कंप्लीट करेंगे. फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट डायग्राम आप लोगों को देखने मिलेगा, दैट इज अबाउट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम लोग बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें हाइएस्ट कैटेगरी इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी किंगडम, एंड सबसे बेसिक यूनिट जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी द स्पीशीज. एंड टोटल कितने कैटेगरीज या रैंक्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कैटेगरीज या फिर वी कॉल देम एज रैंक्स. और टोटल जो नंबर ऑफ कैटेगरीज होंगे, ऑब्लिगेट कैटेगरीज देर आर 7 कैटेगरीज: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. देर आर ओनली 7 कैटेगरीज. ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स के फाइलम वर्ड हम लोग यूज करते हैं फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन यूजली. इवन हम लोग जो फंगल क्लासिफिकेशन है या प्रोटिस्टा में भी फाइलम वर्ड यूज करते हैं. And division is mainly used when we are discussing about kingdom, plantae. So plantae jab bhi kingdom discuss karenge to usme division aayega, jaise cryptogamae and phanerogamae are sub kingdom, aur division aa jata hai algae, bryophyte, pteridophytes and so on. Aur jo bhi hum log specific group of organisms ke bare mein mention karte, jaise kingdom mein aa gaya monera, protista, fungi, un group of organisms ko hum log bol dete hain as taxon. And agar ye diagram ko observe karo to yahan pe niche se upar ki taraf arrows ja rahe, matlab this is going from the basic unit to the complex unit. इसीलिए इसको ascending order में hierarchical classification बोला गया. तो याद रखना, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ascending order हो जाएगा obviously, and ऊपर से नीचे आएगा तो वो descending order हो जाएगा. And जैसे जैसे आप लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो similarities decrease होंगे, मतलब dissimilarities ज्यादा आएंगे. So सबसे ज्यादा dissimilarity होगा kingdom में. अगर आप लोग ऊपर से नीचे आए डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सिमिलैरिटी आर गोइंग टू इंक्रीज, सिमिलैरिटीज इंक्रीज होंगे. तो सबसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म स्पीशीज में मिलेंगे एंड सबसे ज्यादा डिसिमिलैरिटीज किंगडम में मिलेगा. बट किंगडम इज अ वेरी लार्ज ग्रुप, वेयर स्पीशीज इज अ वेरी बेसिक यूनिट जहां पे इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है. तो फर्स्ट डायग्राम डिस्कस हो गया. देन दूसरा डायग्राम जो आपको एनसीईआरटी में देखने मिलेगा, दैट इज अबाउट दिस, जहां पे ये शेल्फ्स हैं, ये पूरा कबर्ड जैसा है जिसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स रखे गए हैं. तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन जो टैक्सोनॉमिक एड्स में आते हैं. तो दीज आर टैक्सोनॉमिक एड्स, जिसमें वन ऑफ दिस एग्जांपल जो दिखाया गया दैट इज हर्बेरियम. हर्बेरियम में फ्यूचर डॉक्टर्स क्या किया जाता है, प्लांट स्पेसिमेन को लेके प्रेस किया जाता है, ड्राई किया जाता है एंड प्रिजर्व किया जाता है. दे आर प्रेस्ड, ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड, यूजुअली प्रिजर्वेशन के लिए. और एक शीट्स होते हैं, उन शीट्स पे ये स्पेसिमेंट्स को लगाया जाता है. और वो शीट्स का साइज भी आपको पता होना चाहिए, 11x5x16.5 inches के शीट्स होते हैं. और बॉटम राइट पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ लेबल, और उस लेबल में हर एक इंफॉर्मेशन होता है, वो प्लांट का वर्नैक्युलर नेम क्या होगा, साइंटिफिक नेम क्या होगा, साइंटिस्ट कौन है. तो हर्बेरियम जो होते हैं ये मेनली हेल्प करते हैं एज अ क्विक रेफरल सिस्टम. ये क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करते हैं, जहां पे जो स्पेसिमेंट्स है ऑब्वियसली दे आर डेड प्लांट्स. स्टेटमेंट टाइप का एमसीक्यू आएगा, दे आर नॉट लिविंग स्पेसिमेंट्स, दे आर डेड प्लांट्स, जिसको प्रेस ड्राई करके प्रिजर्व किया गया ऑन शीट्स ऑफ 11.5 x 16.5 inches. सो दैट इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड. मूविंग अहेड इन द डायग्राम्स जो आगे दिया है, दैट इज अबाउट सर्टन जूलॉजिकल पार्क्स इन इंडिया और डिफरेंट एनिमल्स के बारे में दिया है. नाउ जूलॉजिकल पार्क के बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट अगर बोलना ही हो तो जूलॉजिकल पार्क्स दे आर गोइंग टू बी एक्स टू कंजर्वेशन, क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, वो एक नए आर्टिफिशियल लोकेशन में लेके जाया जा रहा है एनिमल्स को, और वहां पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. सो टूरिस्ट भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर उनको अवेयरनेस भी क्रिएट होता है अबाउट द वाइल्ड लाइफ, एंड ऑल्सो जो थ्रेटन स्पीशीज हो उनको जूलॉजिकल पार्क्स में हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो सम ऑफ द एनिमल्स जो यहाँ पे दिखाए गए उनका मैं आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक जो इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में बता दूंगा, क्योंकि वो आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आता है. जैसे कि जो टाइगर्स है, टाइगर्स का प्रिजर्वेशन किया गया है इन सुंदरबन्स. सुंदरबन्स नेशनल पार्क जो है दे आर वेरी
important because वहाँ पे tigers का ध्यान रखा जाता है, तो it is a national park which is a in situ conservation. वैसे ही elephants जो होते हैं ये बांडीपुर national park में देखे गए, बांडीपुर national park. फिर ये जो एक bird दिखाया गया है यहाँ पे, this bird is a pelican bird. Pelican bird, ये एक पुलिकट सेंचुरी है, लेक सेंचुरी, पुलिकट लेक सेंचुरी, जहाँ पे बहुत सारे वराइटीज ऑफ बर्ड्स रखे गए. सो दैट सेंचुरीज आर ऑल्सो इन सिटू कंजर्वेशन. एंड ये वन हॉर्न राइनोसोरस काजीरंगा नेशनल पार्क. तो मैंने जूलॉजिकल पार्क जो एक्स सिटू, उसके साथ मैंने एक इन सिटू कंजर्वेशन का भी बात कर दिया, जो आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इकोसिस्टम में आता है, जो डिफरेंट एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए रखे जाते हैं. देन कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पे आप लोग डिफरेंट किंगडम्स के बारे में पढ़ते हो. So different shapes of bacteria. So coccus, obviously spherical. Then bacillus, that is the rod-shaped bacteria. ये हो जाएंगे spherical bacteria. और ये एक important labeling है कि ये spore represent किया गया. और spore formation जो usually होता है, that happens during the unfavorable conditions. Then spiral arrangement is spirillum. और यहाँ पे अगर labeling पूछ लिया तो ये flagellum है. That is the locomotory structure. और spiral bacteria, spiral sheet bacteria, जो one of them is treponema. Treponema pallidum, जो करता है syphilis, so that is a spirochete bacterium, spiral bacterium. And vibrio, that is the comma-shaped bacteria. और comma-shaped bacteria में vibrio cholerae species आता है, जो cause करता है cholera. वैसे ही coccus में आप लोग पढ़ते हो diplococcus, streptococcus. Diplo मतलब दो spherical, coccus, and streptococcus मतलब long chain हो जाएगा, तो so that is streptococcus जो pneumonia cause करता है. वैसे ही staphylococcus होता है. Bacillus, lactobacillus, rod-shaped bacteria. So, ये four different shapes of bacteria, they are important about characteristics of bacteria in kingdom Monera. Then, ये एक बहुत important organism जो है, that is cyanobacteria. उसका unique feature क्या है? Heterocyst. Most of the cells, ये जितने भी cells हैं, all the cells, they are colored cells because of presence of pigments. But अगर heterocyst का खास बात करें, तो they are colorless cells. Also, they have comparatively rigid cell wall and हेट्रोसिस्ट के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, दैट इज नाइट्रोजनेज, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं. एंड उनमें एक म्यूसिलेजिनस शीथ का कवरिंग भी होता है. तो एक्सटर्नली देयर इज अ कवरिंग, शीथ का फंक्शन होता है, दे प्रोटेक्ट द बैक्टीरियाज फ्रॉम ड्राइंग, दैट इज इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन. तो प्रोटेक्शन भी देते हैं और डेसिकेशन भी देते हैं. सो दैट इज अबाउट द म्यूसिलेजिनस शीथ. और ये जो डायग्राम दिया गया है, दैट इज ऑफ नॉस्टॉक, अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे. So Nostoc is a nitrogen fixing bacteria, a cyanobacteria, and cyanobacteria ke bare mein aapko pata hoga, they are the first oxygenic photosynthesis performing organism. Kyunki baki jo organisms the, they were performing non-oxygenic. So inhi ki wajah se oxygen planet mein evolve hua hai. So ye filamentous form, long filamentous form, Nostoc has been represented in the NCRT. Then aur ek jo diagram diya hai, that is of a dividing bacterium. और जब भी बैक्टीरिया डिवाइड करता है, तो उसके पहले उसका डीएनए का भी कॉपी बन जाएगा, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन होगा. और यहाँ पे एक सेप्टम बनता है, सेप्टम मतलब पार्टीशन बनता है, जिसे बाद में दोनों सेल्स सेपरेट आउट हो जाते हैं. यहाँ पे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दिखाया गया है. और ये जो सेल डिविजन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसमें सेल डिविजन कौन सा होगा. तो फ्यूचर डॉक्टर्स, इट इज गोइंग टू बी ए माइटोसिस, जिसमें डायरेक्टली डिवीजन होगा, जहां पे ये डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन ए माइटोसिस बोला जाता है. यहाँ पे देर इज नो प्रो मेटाइनाटिलो, और बहुत ही फास्ट टाइप का बाइनरी फिशन ये ऑब्जर्व किया जाता है. अगर ई कोलाई का एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद हो, जो आप लोग डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ते हो, तो उसका डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन 20 मिनट्स में होता है. तो 20 मिनट्स में उसका डिवीजन एक जनरेशन बन जाता है, मतलब एक का दो सेल बन जाएगा विद इन 20 मिनट्स. इनफैक्ट ऑलमोस्ट 19 मिनट्स उसको डीएनए रेप्लिकेशन में जाते हैं, और 1 मिनट में वो डिवाइड हो जाता है. सो रेप्लिकेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो ऐसा ई कोलाई का जनरेशन टाइम बोला जाता है, 20 मिनट्स का. देन कमिंग टू द नेक्स्ट ग्रुप, जो ये डायग्राम दिया है, ये डायग्राम देख के आपको ऑब्जर्व करना है कि इस पे एक फ्लैजेला है, यहाँ पे एक फ्लैजेला, और दूसरा एक यहाँ पे भी फ्लैजेला होता है. तो ये दो फ्लैजेला वाला ऑर्गेनिज्म जो है, दैट इज डाइनोफ्लैजेलेट्स. दिस आर डाइनोफ्लैजेलेट्स, मतलब हम लोग आ गए किंगडम प्रोटिस्टा में. तो प्रोटिस्टा का वन ऑफ द मेंबर इज डाइनोफ्लैजेलेट्स. एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डाइनोफ्लैजेलेट्स का क्या है, एक तो है बायोलुमिनेसेंस, दे एमिट लाइट, इसीलिए उनको बहुत सारे अलग अलग नाम दिए, नाइट घोस्ट, सी घोस्ट. तो ये बायोलुमिनेसेंस का प्रॉपर्टी दिखाते हैं. उसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि डाइनोफ्लैजेलेट्स जो एक तरह से मीजोकैरियोट माने जाते हैं, मीजोकैरियोट क्योंकि ये प्रो और यूकैरियोट के बीच का है एक तरह से, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
बट डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, दैट इज वाई दे आर नोन एज मीसोकैरियोट. सम ऑफ द डाइनोफ्लैजेलेट्स दे प्रोड्यूस सर्टेन टॉक्सिन्स नोन एज सक्सिटॉक्सिन्स, जिसकी वजह से जो कुछ फिशेस हैं उनके अंदर ये टॉक्सिन चला जाता है, और वो फिशेस अगर ह्यूमंस खाएं तो दैट कैन कॉज पैरालिसिस. तो ऐसे शेल फिश के फूड चेन में ये सक्सिटॉक्सिन्स एंटर कर सकते हैं. दैट इज अबाउट डाइनोफ्लैजेलेट्स. दूसरा ग्रुप जो है, दूसरा जो मेंबर है, यहाँ पे डायग्राम देख के, इसके पास भी दो फ्लैजेला है. दिस इज यूग्लेना. यूग्लेना जो है उसमें दो फ्लैजेला होते हैं, बट ओनली देर इज वन फंक्शनल फ्लैजेला, एंड दूसरा जो फ्लैजेला होता है दैट इज नॉन फंक्शनल. इसके अलावा और डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बट एक डिटेल फिर भी रिवाइज करना चाहूंगा कि यूग्लेना दिखाता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. मिक्सोट्रॉफिक क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक भी दिखाता है एंड हेट्रोट्रॉफिक भी दिखाता है. अगर सनलाइट ना मिले तो ऑटो के बदले वो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है. तो ये एक पॉइंट रिवाइज कराना चाहूंगा. अगर फिर भी डाउट्स हो, यू कैन वॉच द वीडियो इन डिटेल अबाउट यूग्लेना. एंड नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज दी स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज फंगाई लाइक प्रोटिस्ट. दे हैव स्पोर्स फॉर्मेशन और स्पोर्स का डिस्पर्जल भी होता है थ्रू एयर करंट्स. और काफी बार स्लाइम मोल्ड्स ऐसे बहुत सारे सेवरल फ्रीट का एग्रीगेशन बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लाज्मोडियम पैरासाइट कॉजिंग मलेरिया. यहाँ पे भी स्लाइम मोल्ड्स के एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम बोला जाता है. अनदर ऑर्गेनिज्म जो स्लीपर जैसा दिखता है, स्लीपर एनिमल क्यूल, और इस स्लीपर एनिमल क्यूल को हम लोग बोलते हैं एज पैरामीशियम. पैरामीशियम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो है उसमें सीलिया का फॉर्मेशन है, तो सीलिया इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, इसके लिए सीलियाटा ग्रुप में. और इसमें डायमॉर्फिज्म ऑफ न्यूक्लियस देखा जाता है, डायमॉर्फिक न्यूक्लियस. एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है. फ्यूचर डॉक्टर्स वापस से याद दिला दूं, मैक्रोन्यूक्लियस उनमें जो होगा उनमें सोमैटिक कैरेक्टर्स होंगे, और माइक्रोन्यूक्लियस जो होगा उसमें रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होंगे, जिससे गैमेट वगैरह का फॉर्मेशन होगा. उसके अलावा उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है, और दे ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ ट्रिकोसिस्ट जो ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस है. तो ये ट्रिकोसिस्ट का भी फॉर्मेशन देखा जाता है. तो मैं तो मेन डायग्राम रिवाइज करा रहा हूँ, बट साथ साथ में हम लोग फीचर्स भी रिवाइज कर रहे हैं, सो दैट वो सब कुछ रिकलेक्ट हो और आपका अच्छे से रिविजन हो सके. देन ये डायग्राम जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, इतना क्लियर नहीं दिखता, बट अगर ऐसा आपको डायग्राम आया, ऐसा अगर आपको डायग्राम देखने मिला, तो दैट डायग्राम इज ऑफ म्यूकर. ये म्यूकर का डायग्राम होगा. और अगर आपको ऐसा कोई डायग्राम देखने मिला, तो ये डायग्राम जो होगा दैट इज ऑफ राइजोपस. सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज राइजोपस में ऐसे हाइफे जो होते हैं वो ब्रांच टाइप के होते हैं, राइजोइडल हाइफे, जबकि म्यूकर में ऐसे ऐसे हाइफे होंगे. बट राइजोपस इज द कॉमन ब्रेड मोल्ड. म्यूकर भी ब्रेड पे ग्रो होता है, एंड ये म्यूकर का ऐसा अपियरेंस है. दूसरा ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये अभी हम लोग किंगडम फंगाई में आ गया ऑब्वियसली. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज एस्परजिलस. और एस्परजिलस का बात करें तो एस्परजिलोसिस एक इन्फेक्शन करता है, जिसका स्पीशीज है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस. एस्परजिलोसिस करता है. और एक एस्परजिलस का स्पीशीज है एस्परजिलस नाइजर, जो सिट्रिक एसिड बनाने में यूज होता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाने में यूज होता है. क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ये नाम आते हैं, तो 12 से कनेक्ट कर दिया. और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इजीली कंटामिनेट करते लेबोरेटरी में, ये ग्रो होते, इसीलिए इनको वीड ऑफ लेबोरेटरी बोला जाता है. दैट इज एस्परजिलस नाइजर, इज कॉल्ड एज वीड ऑफ लेबोरेटरी. एस्परजिलस फ्यूमिगेटस दैट कॉजेस एस्परजिलोसिस. डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, बट फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूँ. तो म्यूकर हो गया, एस्परजिलस हो गया, और ये जो है दैट इज अगारिकस. अगारिकस उसका स्पीशीज है बाइस्पोरस. इसका कॉमन नेम है वाइट बटन मशरूम. इनफैक्ट ये जो अगारिकस बाइस्पोरस है, दिस इज द मोस्ट डिलीशियस मशरूम इन द वर्ल्ड, एंड ये डेफिनेटली एडिबल मशरूम हो जाएगा. और कुछ मशरूम्स पॉइजनस होते हैं. फ्यूचर डॉक्टर्स आपको पूछा जा सकता है स्ट्रेट फॉर्ड एमसीक्यू, पॉइजनस मशरूम को क्या बोलते हैं, तो इनको बोला जाता है टोडस्टूल्स, बोला जाता है टोडस्टूल्स. नाउ म्यूकर जो है वो फाइकोमाइसिटिस का मेंबर है, एस्परजिलस एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है, अगारिकस बेसिडियोमाइसिटिस का है. तो कैसे एनसीईआरटी में अलग अलग ग्रुप के एक एक एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो दिए गए. ड्यूट्रोमाइसिटिस का एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया, बट ड्यूट्रोमाइसिटिस जैसे अल्टरनेरिया वगैरह एग्जाम्पल्स आते हैं. तो ड्यूट्रोमाइसिटिस इज अ इम्परफेक्ट फंगाई, टेम्पररी ग्रुप होता है, ये बातें आपको पता ही होंगी. मूविंग अहेड, चैप्टर के एंड में वायरसेस के बारे में दिया. वायरसेस आर ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. वायरस ये टर्म और सबसे पहले के एक मोजैक डिजीज टोबैको में होता है, दैट वॉज गिवन बाई डिमिट्री इवानोस्की. डिमिट्री इवानोस्की ने फर्स्ट टाइम बताया था.
और उसके अलावा और एक साइंटिस्ट थे बिजुरिंग, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से उनका अगर फ्लूइड हेल्दी प्लांट्स में ट्रांसमिट किया गया तो उनको भी इन्फेक्शन होता है. इसलिए बिजुरिंग ने एक टर्म दिया था कंटेजियम विवियम फ्लूइडम, एंड ये जो वायरस है दैट इज टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस. सो दिस इज डेफिनेटली अ प्लांट वायरस. एंड उसके अलावा ये जो डायग्राम दिख रहा है दैट इज ऑफ बैक्टीरियोफेजेस या बैक्टीरियल वायरसेस. और बैक्टीरियल वायरसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोटेक में, दे आर यूज्ड एज वेक्टर्स आल्सो, आपको पता है ये बात. एंड उसके अलावा ये हर्शन चेज ने एक्सपेरिमेंट में भी यूज किया था टू प्रूव डीएनए एज़ अ जेनेटिक मटीरियल. और बैक्टीरियल वायरस में आपको हेड देखने मिलता है, कॉलर दैट इज दिस पोर्शन, एक शीट देखने मिलता है एंड टेल फाइबर्स देखने मिलते हैं. और ये जो है इसको हम लोग बोल लेते हैं बेस प्लेट, जिसको हम लोग बेस प्लेट बोल लेते हैं. तो ये सब कंपोनेंट्स हैं. और हेड पार्ट में जो होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड, जिसके अंदर जो बने होते हैं ऑफ कैप्सोमियर्स, कैप्सिड आर कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमियर्स. तो ये जो शेप है ये आपको पूछा जा सकता है एंट्रेंस के लिए, ये बैक्टीरियोफेजेस का शेप कैसा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टैडपोल शेप. तो दे आर टैडपोल शेप विथ हेड एंड टेल, ये उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है. फिर प्लांट वायरसेस जो होते हैं यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि उनमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री. एंड जो एनिमल वायरसेस होते हैं, एनिमल वायरस में यूजुअली हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री होते हैं, जैसे कि एचआईवी वायरस हो गया, तो एचआईवी दे शो स्फेरिकल सिमेट्री. और एक बात बताना चाहूंगा कि प्लांट वायरसेस में यूजुअली आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल मिलता है. तो ये जब पे देख भी सकते हैं आप लोग, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल दिया गया है. तो ये जो बीडेड अपीयरेंस है दैट इज ऑफ आरएनए. और एनिमल वायरस में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए में भी हो सकता है. बैक्टीरियल वायरसेस में, बैक्टीरियोफेजेस में यूजुअली डीएनए होता है, बट कुछ बैक्टीरियोफेजेस विद आरएनए भी मिले हैं, बट मेनली उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. तो ये डिफरेंस ऑफ शेप, डिफरेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी आपको एंट्रेंस में पूछा जा सकता है. और वायरसेस को विटेकर ने क्लासिफाई नहीं किया था बिकॉज दे आर एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ. तो ये सेकेंड चैप्टर के भी डायग्राम्स कंप्लीट हो गए. कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज प्लांटे. प्लांटे में ये जो कैटेगरी है दैट इज ऑफ ग्रीन एल्गे, दैट इज क्लोरोफाइसी, और ये पूरा कॉलोनियल फॉर्म जो है दैट इज वॉल्वॉक्स. आपको डायग्राम देख के क्लिक होना चाहिए, ओके ये वॉल्वॉक्स है जिसमें पैरेंट कॉलोनी और एक डॉटर कॉलोनी दिया हुआ है अंदर की तरफ, और डॉटर कॉलोनी को हम लोग बोलते हैं सिनोबियम, सिनोबियम. और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है ये फिलामेंटस फॉर्म है, दिस इज यूलोथ्रिक्स. यूलोथ्रिक्स इज अ फिलामेंटस ग्रीन एल्गे क्लोरोफाइसी. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स दिए दैट इज ऑफ ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे या फिर उसको हम लोग बोलते हैं फियोफाइसी, और इसमें सबसे डोमिनेटिंग पिगमेंट होता है फ्यूकोजैंथिन. आपको याद रखना है फ्यूकोजैंथिन इज अ डोमिनेटिंग पिगमेंट, इसके लिए ब्राउनिश कलर के होते हैं. जिसमें ये एग्जांपल है लैमिनेरिया. लैमिनेरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम लोग को आयोडीन मिलता है. दे आर यूज्ड टू डिराइव आयोडीन एंड ब्रोमीन. और आपको बता दो अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो आप लोग आयोडीन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल मार्क करोगे. फिर ये जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज फ्यूकस. तो याद रखना है ये जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज फ्यूकस, ये फ्यूकस है. और यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो दो दो ब्रांचेस में से स्प्लिट हो रहा है बार बार, तो ये दो दो में स्प्लिट हो रहा है, इसको बोलते हैं डिक्टियोटा. दिस ऑर्गेनिज्म इज डिक्टियोटा. So, laminaria, fucus and dictyota, these are the three brown algae which has been represented. Now, आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज के दो डायग्राम में होल्ड फास्ट दिखाया गया है. होल्ड फास्ट सबस्ट्रैटम से अटैच करने के लिए हेल्प करता है, बट डिक्टियोटा में होल्ड फास्ट लेबल नहीं किया गया, डायरेक्टली स्टाइप या स्टॉक है, होल्ड फास्ट नहीं है. फिर ये डायग्राम में स्टाइप है, स्टॉक है, यहाँ पे होल्ड फास्ट है तो स्टाइप एबसेंट है. फिर फ्रॉन्ड या लैमिना जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो तो सभी में प्रेजेंट है. यहाँ पे मिडरिप और सबसे इंपॉर्टेंट एयर ब्लैडर. एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है फ्यूचर डॉक्टर्स, बियोन्सी प्रोवाइड करता है. ये बियोन्सी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा सो दैट दे कैन फ्लोट. फिर रेड एल्गे में एग्जांपल जो दिया गया है, रेड एल्गे इज रोडोफाइसी है, जिसमें एक एग्जांपल दिया है पॉरीफायरा. और पॉरीफायरा जो है ये एडिबल फंगस होते हैं, एडिबल फंगस है. एंड और एक डायग्राम जो है दैट इज ऑफ पॉलीसाइफोनिया. तो इसके मेन एक्सिस है, छोटे छोटे ब्रांचेस हैं. तो ये पॉलीसाइफोनिया जो है इनफैक्ट इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशियंट एल्गे. रेड एल्गे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशियंट एंड रीसेंट एंसेस्टर जो है दैट इज ग्रीन एल्गे. ब्राउन एल्गे कहीं ना कहीं बीच में आते हैं. और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देना चाहता हूँ फ्यूचर डॉक्टर्स के, ग्रीन एल्गे और रेड एल्गे यूजुअली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रखते हैं, दिखाते हैं, एंड ब्राउन एल्गे यूजुअली शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो ग्रीन एंड रेड यूजुअली हैप्लॉन्टिक एंड ब्राउन एल्गे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाती है. उसमें भी एक्सेप्शंस देखे जाएंगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे लाइफ साइकिल में. फिर आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे दैट इज ब्रायोफाइटा. एल्गे के बाद ब्रायोफाइटा आ गया. ब्रायोफाइटा में तीन ग्रुप से वैसे, एक है लिवरवॉर्ट्स, दूसरा है मॉसेस, बट टेक्स्ट में दो ही दिए मेनली ग्रुप्स. एक तो लिवरवॉर्ट्स का दिया है. लिवरवॉर्ट्स कैसे पहचानोगे, लिवर लाइक शेप होता है उसका,
तो लिवर की तरह अपेयर करते हैं, इसलिए लिवर वॉर्ट्स बोलते हैं। और ये जो डायग्राम दिखाया गया दैट इज ऑफ मार्केंशिया, और मार्केंशिया में आपको ये जो राइजॉइड्स मिलेंगे, लिवर वॉर्ट्स में यूनिसेलुलर राइजॉइड्स देखने मिलते हैं, और जो मॉसिस होते हैं उनमें मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स होते हैं। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केंशिया का एक पार्ट ये फीमेल और एक ये मेल थैलस रिप्रेजेंट किया गया। फीमेल थैलस को बोलते हैं, उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा उसको बोलते हैं आर्चिगोनिया। तो ये आर्चिगोनिया जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और ये उसका स्टॉक है आर्चिगोनिया 4, और ये एंथ्रीडियो 4 जिसमें एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन का प्रेजेंस देखने मिलेगा। एंथ्रीडियम इज द सिंगुलर, और आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया में आपको फर्क डायग्रामेटिकली पता होना चाहिए। तो आर्चिगोनिया देखो एकदम ब्यूटीफुली फ्लावर जैसा पूरा डायग्राम दिख रहा है ना, तो ये जो ब्यूटीफुल वाला है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और जैसा वेवी सा अजीब सा है दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन। तो आप लोग को देख के आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये थैलस है। थैलस जो है दैट इज द गैमेटोफाइटिक स्टेज, जो डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइटिक प्रायोफाइटा में देखने मिलता भी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जेमा कप का फॉर्मेशन। जेमा कप दिज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जिसमें जेमे का फॉर्मेशन होगा। जेमे आर लाइक इंटरनल बड्स, इंटरनल बड्स, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है इन लिवर वॉर्ट्स। फिर नीचे जो डायग्राम दिया गया है दैट इज ऑफ मॉसिस। मॉसिस में एक जो मॉस दिया गया है दैट इज ऑफ फुनेरिया, और फुनेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो दिखाया गया दैट इज गैमेटोफाइटिक जो डोमिनेंट है, एंड उसके ऊपर स्पोरोफाइटिक है जो रेसेसिव है एंड डिपेंडेंट है ऑन द गैमेटोफाइटिक। और गैमेटोफाइटिक में फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम एंड फॉल्स लीफ, ये जो लीव्स है वो फॉल्स होते हैं ब्रायोफाइटा में। और राइजॉइड्स डेफिनेटली मॉसिस में मल्टीसेलर देखने मिलते हैं। और फिर गैमेटोफाइटिक गैमेट्स बनाएंगे, फ्यूजन होगा और जाइगोट बनता है, और जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है जिसमें तीन पार्ट्स आते हैं। एक पार्ट यहाँ पे लेबल नहीं किया, अगर बॉटम पे दिखाया हो तो उसमें आता है फुट, सीता एंड कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स स्पोरिक मियोसिस करेंगे और उससे स्पोर्स का फिर डिस्पर्जल होगा और साइकिल कंटिन्यू होता है। और एक ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे मॉसिस में दिखाया दैट इज स्पैग्नम। स्पैग्नम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप का, बिकॉज इसके पास वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है एज अ ट्रांसशिपमेंट मटीरियल। तो ट्रांसशिपमेंट पैकिंग मटीरियल में स्पैग्नम को यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको एसिडिक बॉग मॉस भी बोला जाता है, एसिडिक बॉग मॉस। सो एसिडिक एरियाज में ऐसा ये ग्रो भी होता है। तो स्पैग्नम एंड फुनेरिया दे आर द डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ मॉसिस। तो ये ब्रायोफाइटा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डिविजन जो आ जाएगा दैट इज टेरिडोफाइटा। ये डायग्राम देख के आपको याद रखना है, ये ऑर्गेनिज्म है सेलाजेनिला। टेरिडोफाइटा का ये ऑर्गेनिज्म है सेलाजेनिला, उसमें एक स्पीशीज है सेलाजेनिला ब्रायोप्टेरिस जिसके बारे में मैंने किंगडम प्लांटे में डिटेल में डिस्कस किया है। और ये जो डायग्राम है दैट इज ऑफ इक्विसेटम। इक्विसेटम के बारे में आपको याद रखना है, ये एक जेरोफाइटिक प्लांट है, इट्स अ जेरोफाइटिक टेरिडोफाइट। और इसमें स्ट्रॉबिलस या इसको कोन भी बोला जाता है, जो एग्रीगेशन ऑफ लीफ है, ये स्पॉट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे नोड्स, और बीच का गैप जो हो जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे इंटर नोड। और ये ब्रांचेस जो है काफी ड्राइड वैरायटी का है, राइजोम इसमें देखने मिला है, तो ये लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइजोम दैट्स अ टाइप ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम जो ये जेरोफाइटिक प्लांट में देखा जाता है। और सेलाजेनिला में तो लीव्स है, स्टेम है एंड ट्रू रूट्स आपको देखने मिलेंगे टेरिडोफाइट्स में, तो ये ट्रू रूट्स है, राइजॉइड्स नहीं देखने मिलेंगे, ट्रू रूट्स मिलेंगे। फिर ये जो डायग्राम है दैट इज फर्न, रियल डायग्राम ही दिखा है फर्न का, और उसके जो लीफ है वो लीफ से पता चलता है, इनमें बाइपिनेट लीफ ऑब्जर्व करने मिलते हैं। बाइपिनेट लीफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और ये और एक ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज सेल्विनिया, इसमें भी एक तरह से बाइपिनेट लीफ आपको ऑब्जर्व करने मिल रहा है और टप्स ऑफ रूट है। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चार ग्रुप्स होते हैं टेरिडोफाइटा में, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा के तो मेंबर्स नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आर एक्सटिंक्ट। ये जो सेलाजेनिला है दैट इज ऑफ लाइकोप्सिडा ग्रुप। फिर ये स्पिनोप्सिडा ग्रुप का है दैट इज द इक्विसेटम, जिनको हम लोग हॉर्स टेल्स भी बोलते हैं। और बाकी जो डायग्राम्स नीचे हैं दैट इज ऑफ फर्न एंड सेल्विनिया, ये दोनों ही टेरोप्सिडा के हैं। टेरोप्सिडा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइटा। ओके, तो फिर डॉक्टर्स टेरिडोफाइटा भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे सब किंगडम क्रिप्टोगैमिक खत्म होता है, हैविंग हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर आते हैं फैनेरोगैमे में, जिसमें आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ये दो डायग्राम आपको, ये रियल लाइफ ट्रीज दिखाए गए, ये देख के आपको क्लिक होना चाहिए, ये साइकस है और ये जो है ये पाइनस है। अभी आप लोग बोलोगे कि सर कैसे पता चलेगा, तो साइकस में जो लीफ है ये थोड़े बाइपिनेट, पिनेट टाइप के लीफ है,
spinet type leaf है, और pinus में as you can see there are needle type leaf, needle type, needle like leaf देखने मिलते हैं. दूसरा pinus में आपको यहाँ पे ऐसा branch देखने मिलेगा, तो pinus is branched but cycas is unbranched. तो एक important distinguishing characteristic हो गया, तो statement type के MCQs में भी help कर लेगा अगर diagram ना भी पूछे. और in fact cycas has the largest ovule in the plant kingdom. तो ये cycadophyta gymnosperm का group उसमें देखने मिलेगा. फिर और एक एग्जांपल जो दिया गया, ये डायग्राम इज ऑफ जिंको, जिसमें यहाँ पे देयर इज अ ड्वार्फ शूट, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शूट, ये लेबलिंग पूछे जा सकते हैं, और इसमें सीड्स देखने मिलते हैं, और फ्रूट तो देखने मिलते नहीं है बिकॉज जिम्नोस्पर्म में दे हैव नेकेड सीड, ओवरीज का प्रेजेंस नहीं होता, सिर्फ ओव्यूल होता है. जिंको बिलोबा स्पीशीज है, बिलोबा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट पता होना चाहिए, इट इज कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है. तो जिम्नोस्पर्म में ये तीन एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में लिए गए हैं, दैट इज cycas, pinus एंड zinco. फिर एंजियोस्पर्म में उन लोगों ने सिर्फ जनरल बात की है कि एक डाइकॉट है और एक मोनोकॉट है. डाइकॉट मोनोकॉट के तो आपको पता ही रहेगा, डाइकॉट में पेंटामेरिस सिमेट्री होता है, मोनोकॉट में ट्राइमेरिस सिमेट्री होता है. स्ट्रॉन्ग स्टेम होगा डाइकॉट में, मोनोकॉट में यूजली वीक स्टेम होगा. तो एंजियोस्पर्म में खत्म होता है. अब जाके फ्यूचर डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है. तो लाइफ साइकिल में काफी चीजें वो लोग हिडन रख सकते हैं, और हिडन रख के आपको आइडेंटिफाई करने बोल सकते हैं. तो आपको आइडेंटिफाई इजिली करना है, तो ये एंथर फिलामेंट, ये तो दिख ही रहा है, तो ये एंथर, ये हम लोग शुरू करते हैं स्पोरोफाइट से ही, लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट से शुरू करते हैं. स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, जिसमें रूट देखने मिलेगा, स्टेम देखने मिलेगा, लीफ देखने मिलेगा, फ्लावर, एंड फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम दोनों मिलेगा, जिसमें एंड्रोशियम में स्टेमन, स्टेमन का एंथर एंड फिलामेंट, गाइनोशियम में कार्पल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल, और ओव्यूल को ही हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, या फिर सही मायनों में ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. और उसके अंदर हम लोग बाद में ऑब्जर्व करते हैं कि ओव्यूल के अंदर, आप लोग ने रिप्रोडक्शन इम्प्लांट में पढ़ा है कि वहां पे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स, और मेगास्पोर मदर सेल्स बाद में चार मेगास्पोर बनाते हैं, उसमें से एक ही फंक्शनल रहता है, और वो फंक्शनल मेगास्पोर बाद में एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है. और अगर एंथर का बात करें तो एंथर में पोलन सैक या पोलन चेम्बर इज माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके चार माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे. मियोसिस यहाँ पे हो जाता है, इसके लिए इसके बाद सभी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड आ जाएंगे, ये सब हैप्लॉइड. फिर माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, वो भी हैप्लॉइड होंगे. दो मेल गैमेट्स का रिप्रेजेंटेशन है. एम्ब्रियो सैक के अंदर एग अपैरेटस में हैप्लॉइड ओवम, ये नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ मतलब टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर की तरफ चलाजल एंड होता है और माइक्रोपाइलर एंड होता है, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बाद में वो पोलन ट्यूब ग्रो होगा, और वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल टू फॉर्म जायगोट, एंड दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूज करके एंडोस्पर्म बना लेते हैं, पेन बनाएगा, पेन से एंडोस्पर्म. जायगोट जैसे आ गया वो डिप्लॉयड आ गया, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो का शेप हॉर्सशू शेप इज द मैच्योर एम्ब्रियो, और उससे फिर बाद में वापस से स्पोरोफाइटिक जनरेशन शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको ये पूरा एक कलर्ड शेड दिखा रहा है, तो इसके उधर जो है लेफ्ट साइड में ये सब स्पोरोफाइटिक है, ये सब गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक इज ऑल डिप्लॉयड, गैमेटोफाइटिक इज ऑल हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो जाता है, तो इसके आगे सब हैप्लॉइड हो जाएगा. और जायगोट जैसे ही बना उसके बाद डिप्लॉयटिक जनरेशन शुरू हो जाता है, वो सब माइटोसिस से ग्रोथ है. तो ये लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म का एनसीईआरटी ने दिखाया है, जो बीच में कुछ पार्ट शायद वो लोग छुपा दे. देन ये तीन टाइप के लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक. कैसे फर्क पता चलता है, यहाँ पे मेजर पार्ट साइकिल का हैप्लॉन्टिक ही है मेजर पार्ट, और बहुत ही माइनर पार्ट डिप्लॉन्टिक जनरेशन का है, तो उसको हम लोग मेनली हैप्लॉन्टिक ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि डिप्लॉन्टिक स्टेज मोमेंट्री आता है. जायगोट जैसे ही बनता है मियोसिस कर लेता है और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है विद स्पोर फॉर्मेशन. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ग्रीन एल्गे में देखने मिलते हैं एंड रेड एल्गे में देखने मिलते हैं, जो मैंने पहले भी बात कर ली, और ये इंपॉर्टेंट एंड नीट का क्वेश्चन हो सकता है. ग्रीन एंड रेड एल्गे में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने मिलेगा. फिर आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. नाउ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों बोला, क्योंकि उसमें हैप्लॉन्टिक स्टेज बहुत ही मिनिमल है, मेजर जो है वो डिप्लॉन्टिक ही है, तो स्पोरोफाइटिक काफी लंबा चल रहा है. वो जब मियोसिस करेगा फिर स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स के अंदर गैमेट्स बनेंगे, गैमेट से फ्यूजन होगा, सिनगैमी होगा, और उससे जायगोट बनेगा. तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट हिडन आपको लेबलिंग पूछ सकते हैं, सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा और जायगोट बनेगा. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेनली
देखने मिलता है इन जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में. बोथ ऑफ देम आर फैनरोगैमी, या फिर इनको हम लोग बोल सकते हैं स्पर्मेटोफाइटा, क्योंकि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है. तो उसमें मेनली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है. गैमेटोफाइटिक काफी रेसेसिव एंड बहुत ही कम स्टेज के लिए होता है, टोटली डिपेंडेंट होता है, तो उसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. और एक ऑर्गेनिज्म नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डिप्लॉन्टिक दिखाता है, वो है फ्यूकस. फ्यूकस इज अ ब्राउन एल्गे, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है. फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन दिखाते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक मेनली दिखाते हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट. सो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइटा ये मेनली हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिखाते हैं. और सच बात तो ये है कि ब्रायो एक्चुअली हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिखाता है एंड टेरिडो डिप्लोहैप्लोन्टिक दिखाता है, क्योंकि उसमें टेरिडो में स्पोरोफाइटिक इज डोमिनेंट जबकि ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइटिक इज डोमिनेंट. बट दोनों का ही इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए यहाँ पे मिडवे ये लाइफ साइकिल में दिखाया गया है. इसके लिए इसको एनसीईआरटी में तो ब्रायो एंड टेरिडो दोनों को ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल दिया गया है. उसके अलावा आपको और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैप्लोडिप्लॉन्टिक में याद रखना है, दैट इज केल्प्स. केल्प्स के साथ के से केल्प्स, एल से आपको याद रखना है इवन लैमिनेरिया, ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिखाता है, एंड पी से पॉलीसाइफोनिया. तो केल्प्स, लैमिनेरिया एंड पॉलीसाइफोनिया ये सब भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं, जो आपको याद रखना है. पॉलीसाइफोनिया इज अ रेड एल्गे, केल्प्स एंड लैमिनेरिया ये ब्राउन एल्गे के टाइप्स है. तो ये भी एडिशनल एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है जो आपको याद रखना है. इसके अलावा आपको और एक एग्जाम्पल याद रखना है, दैट इज केल्प्स. केल्प्स भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही दिखाते हैं. केल्प्स के अलावा ई से आपको याद रखना है एक्टोकार्पस, और पी से पॉलीसाइफोनिया, ये भी आपको याद रखना है. पॉलीसाइफोनिया भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक याद रखना है, और केल्प्स मतलब लैमिनेरिया ही. और केल्प्स या लैमिनेरिया जो है ये ब्राउन एल्गे, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गे, और पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गे जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक. बट फ्यूकस जो ब्राउन एल्गे ही है बट वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है. तो ये लाइफ साइकिल्स पे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट में, जो भी आपको अभी क्लियर कट कंप्लीट समझ में आ गया होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट फाइनल चैप्टर ऑफ डाइवर्सिटी यूनिट, एनिमेलिया. एनिमेलिया में ये सिमेट्री देख के पता चलता है कि रेडियल सिमेट्री है. बट रेडियल सिमेट्री के डेफिनेशन में आपको याद रखना है कि जब भी जो एनिमल को कट किया जाता है तो डेफिनेशन में दिया जाएगा फ्रॉम एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर. तो इफ द एनिमल इज कट इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, और अगर इक्वल हाफ्स बनते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. जो फाइलम नंबर 2, 3 and 9 दिखाते हैं. फाइलम नंबर 2 इज सेलेंट्रेटा, फाइलम नंबर 3 इज टीनोफोरा, एंड 9 इज एकिनोडर्माटा. तो आपको याद रखना है सेलेंट्रेटा या नाइडेरिया, टीनोफोरा एंड एकिनोडर्माटा, ये तीनों फाइलम जो है ये दिखाते हैं रेडियल सिमेट्री. इसके अलावा बायलैटरल सिमेट्री में डेफिनेशन में आप लोगों को देखने मिलेगा व्हेन द एनिमल इज कट ओनली इन वन प्लेन एंड दैट इज आल्सो लॉन्जिट्यूडनल, वर्टिकली इट इज कट एंड इक्वल हाफ्स आर फॉर्म. तो बायलैटरल सिमेट्री, एंड मोस्ट ऑफ द फाइलम बायलैटरल सिमेट्री वाले हैं सिवाय फाइलम नंबर 1 को छोड़ के. पॉरीफेरा इज एसिमेट्रिक, 2, 3, 9 रेडियल सिमेट्री, और बाकी सब फाइलम यूजुअली बायलैटरल सिमेट्री वाले हैं. फिर ये आ जाता है अबाउट द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स. डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर्स होगा जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स होगा. एक्टोडर्म तो है ही, उसके अलावा मीजोडर्म भी देखने मिलता है एंड इनरमोस्ट एंडोडर्म, और ये हो जाएगा इंटरनल एलिमेंट्री कनाल का पैसेज, एलिमेंट्री कनाल का पैसेज. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में और एक लेयर देखने मिलता है, दैट इज मीजोग्लिया. मीजोग्लिया हैज बीन कॉल्ड एज अनडिफरेंशिएटेड लेयर, या इसको नॉन लिविंग लेयर भी बोला जाता है. तो दिस अनडिफरेंशिएटेड लेयर इज नोन एज मीजोग्लिया. डिप्लोब्लास्टिक में आ जाता है मेनली पॉरीफेरा को आप लोग कंसिडर कर सकते हो, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, एंड प्लेटियल में दिस ऑनवर्ड सभी के सब फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक है विथ 3 जर्म लेयर्स, एक्टोमीजो एंड एंडोडर्म. मूविंग अहेड नेक्स्ट, ये सब क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन है. यहाँ पे ये डायग्राम देख के आपको पता चलता है कि सेंटर में आपको याद रखना है ये एलिमेंट्री कनाल है, ये एलिमेंट्री कनाल का पैसेज हो गया. नाउ एलिमेंट्री कनाल और ये पूरा बॉडी वॉल है, बिल्कुल भी कैविटी नहीं है, मतलब ये डायग्राम हो गया एसिलोमेट का, नो बॉडी कैविटी. यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल और बॉडी वॉल के बीच में कहीं कहीं पे कैविटी है और कहीं कहीं पे नहीं है. तो यहाँ पे पैचेस ऑफ मीजोडर्म देखने मिलते हैं, और पैचेस ऑफ मीजोडर्म जहाँ पे देखने मिलेंगे उनको हम लोग बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स, फॉल्स बॉडी कैविटी. और जहाँ पे एलिमेंट्री कनाल और बॉडी वॉल के बीच में प्रॉपर एक कैविटी है उसको हम लोग बोल लेते हैं यूसिलोमेट या ट्रू सिलोमेट, जिसमें मीजोडर्म का लाइनिंग
एलिमेंट्री कनाल के उधर भी है और बॉडी वॉल के उधर भी है. तो मेसोडर्म इज स्प्लिट एंड इट इज कवरिंग एंड इट इज फॉर्मिंग अ प्रॉपर लाइनिंग. तो उसको बोलते हैं यूसिलोमेट. फर्स्ट ट्रू सिलोमेट आपको वो फाइलम पता होना चाहिए, दैट इज एनालिडा. एनालिडा इज द फर्स्ट ट्रू फाइलम. ए सिलोमेट में फाइलम नंबर 4 आता है, दैट इज प्लेटियलमेंथिस फ्लैटवर्म्स एंड एस्केलमेंथिस, दे आर सुडोसिलोमेट. तो फाइलम नंबर 4 ए सिलोमेट, 5 सुडोसिलोमेट, 6 ट्रू सिलोमेट्स आपको देखने मिलेंगे. तो ये बॉडी कैविटी पे भी एक क्राइटेरिया हो गया. देन ये डायग्राम दिखाया गया एनसीईआरटी में, बहुत एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि किंगडम एनिमेलिया उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी या सिलोम, तीन क्राइटेरिया पे ये क्लासिफिकेशन दिखाया गया है. पॉरीफेरा फाइलम जो होगा ऑब्वियसली ए सिलोमेट है, हालांकि हम लोग उसमें एक कैविटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरा गैस्ट्रिक कैविटी, बट दैट इज नॉट अ ट्रू कैविटी, इट्स ए सिलोमेट ओनली. इवन सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा में, सिलेंड्रेटा में कैविटी होता है, दैट इज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, बट दे आर ए सिलोमेट्स. बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दे डू नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी. ट्रू बॉडी कैविटी कब बोलेंगे, जब मेसोडर्म का लाइनिंग हो. ये तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, तो दे आर ए सिलोमेट्स. पॉरीफेरा आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, जबकि सिलेंड्रेटा फाइलम नंबर 2 है, टीनोफोरा फाइलम नंबर 3 है और एक्नोडर्माटा फाइलम नंबर 9 है, उसमें भी रेडियल सिमेट्री देखने मिलता है. बट यहाँ पे एस्टेरिक मार्क किया हुआ एनसीईआरटी में, ये भी मैं बता दूं, एक्नोडर्माटा एग्जिबिट्स रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज. वेरी इंपॉर्टेंट, बायलैटरल सिमेट्री एक्नोडर्माटा में कब दिखता है, ड्यूरिंग देयर लार्वल स्टेजेस. तो अगर लार्वल स्टेज पे एमसीक्यू आया बायलैटरल, इन जनरल एडल्ट स्टेज आया रेडियल सिमेट्री. फिर पॉरीफेरा में तो सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज नो टिश्यू फॉर्मेशन, सिंपलेस्ट एनिमल. टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में तो टिश्यू लेवल है. फिर ऑर्गन लेवल प्लैटियलमेंथिस से शुरू होता है. प्लैटियलमेंथिस ए सिलोमेट, वो भी एस्केलमेंथिस सुडो सिलोमेट एंड एनालिडा से ट्रू सिलोमेट शुरू होते हैं और बाद में सब फाइलम ट्रू सिलोमेट ही है. हमारा फाइलम कॉर्डेटा भी आ गया और कॉर्डेटा के अलावा बाकी सब फाइलम भी आ जाते. तो ये भी पूरा एक डायग्राम जो है मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया और उसमें एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हाईलाइट पॉइंट था एक्नोडर्माटा का वो भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है. देन इंडिविजुअल फाइलम आएंगे, ये फाइलम के क्रीचर्स देख के पता चल जाना चाहिए. ये है पॉरीफेरन, दिस ऑर्गेनिज्म इज साइकन, साइकन या फिर उसको हम लोग बोलते हैं स्काइफा. फिर ये जो है दैट इज यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया एंड ये है स्पॉन्जिला. तो ये तीन ऑर्गेनिज्म देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सब पॉरीफेरा के मेंबर्स है. और पॉरीफेरा में क्या मेन फीचर देखने मिलता है, ये साइकन या स्काइफा, यूस्पॉन्जिया या स्पॉन्जिला, कॉमन फीचर क्या देखने मिलता है, दे हैव वॉटर कनाल सिस्टम, वॉटर वेस्कुलर सिस्टम एक्नोडर्माटा में और इनमें वॉटर कनाल सिस्टम. और भी बहुत सारे इसके की पॉइंट्स है पॉरीफेरा के, ऑस्टिया है, ऑस्क्यूलम है, क्वाइनोसाइट्स है, ये सब आपको पता ही है. तो ये सिर्फ रिविजन के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको रीइन्फोर्स किया जाए, आपके माइंड में वो सब वापस से गो थ्रू हो. सेकेंड फाइलम इज सिलेंड्रेटा या नाइडेरिया, जिसमें दिस इज जेलीफिश या फिर उसको बोलते हैं ऑरेलिया, साइंटिफिक नेम ऑरेलिया. एंड दूसरा जो दिया है सी एनिमोन, दैट इज एडेम्सिया. और उसके दो बॉडी फॉर्म्स, एक मेड्यूसा, मेड्यूसा इज दिस विच इज कॉल्ड एज अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप्ड है, प्लस यूजली मेड्यूसा आर फ्री स्विमिंग एंड उनमें जो माउथ होता है दैट इज डाउनवर्डली डायरेक्टेड. फिर जो पॉलिप्स होते हैं दे आर यूजली सिलेंड्रिकल. तो ये सिलेंड्रिकल पॉलिप्स में सी एनिमोन एडेम्सिया आता है, दूसरा कोरल्स भी एग्जाम्पल में आ जाते हैं. और इनमें यूजली दे आर नॉन मोटाइल, दे आर सॉलिटरी एंड दे आर ऑल्सो सिडेंटरी, दे आर अटैच टू द सबस्ट्रैटम, सॉलिटरी एंड सिडेंटरी. एंड इनमें द माउथ फेसेस अपवर्ड्स. तो दो टाइप के बॉडी फॉर्म्स देखने मिलते हैं, मेड्यूसा एंड पॉलिप. और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी में दिया है जो मेड्यूसा एंड पॉलिप्स दोनों ही दिखा सकता है इन द सेम लाइफ ऑल्टरनेटली इन द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो ऑर्गेनिज्म है ओबेलिया. ओबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एज मेटाजेनेसिस, इसको हम लोग मेटाजेनेसिस का प्रॉपर्टी बोलते हैं. देन सिलेंड्रेटा का और एक यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ अ नाइडोब्लास्ट. तो ये नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट जिसमें ऐसा स्टिंगिंग सेल निकलता है, देयर इज अ स्टिंगिंग पॉइजन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोल देते हैं एज नेमाटोसिस्ट. तो नाइडोब्लास्ट के अंदर ये नेमाटोसिस्ट है जिससे वो प्रे को पैरालाइज कर सकता है. इट इज एन ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, इसीलिए इनको नाइडेरियंस भी बोला गया है सिलेंड्रेटा को, नाइडोब्लास्ट का डायग्राम. फिर ये है टीनोफोरा. टीनोफोरा डायग्राम में देख के आपको दो चीजें एक तो ऑब्जर्व करनी, एक तो है इनमें ये टेंटेकल्स का प्रेजेंस है, देर आर टू टेंटेकल्स दैट आर अराइजिंग एंड उनमें 8 रोज ऑफ सीलिया है. तो ये 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. So you can observe, ये सब 8 rows of cilia है जो इसमें observe करने मिलता है. And टीनोफोरा में भी सबसे important property देखने मिलता है, जैसा डाइनोफ्लैजेलेट्स में भी था, that is bioluminescence का property. तो ये भी important है. बाकी टीनोफोरा में और एक important feature जो आपको याद रखना है, प्लियोरोब्रैका एज एग्जाम्पल, कि उनमें मेनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही देखा गया है. एसेक्सुअल इज एब्सेंट एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म, एक्सक्लूसिवली मरीन. नेक्स्ट जो आता है दैट इज टेपवर्म. टेपवर्म का साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है, टीनिया, टीनियासिस नाम का इन्फेक्शन करता है. लिवर फ्लूक जिसका साइंटिफिक नेम है फेशियोला, फेशियोला हेपेटिका. नाउ टीनिया जो है, टेपवर्म, ये फ्लैट वर्म है और इसमें आपको सेगमेंट देखने मिल रहे हैं, बट ये फॉल्स सेगमेंटेशन है, इसके लिए इसको बोलते हैं सूडो मेटामेरिज्म. तो आपको पूछा जा सकता है कि सूडो मेटामेरिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म दिखाता है, इट्स टेपवर्म. एंड ये दोनों ही लिवर फ्लूक एज वेल एज टेपवर्म बोथ आर एंडो पैरासाइट्स. दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक द नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट सेल. द नेक्स्ट ग्रुप इज ऑफ एस्केलमेंथिस. डायग्राम देख के आपको डिफरेंशिएट करने पता होना चाहिए, ये मेल एस्कैरिस है, ये फीमेल एस्कैरिस है. कैसे पता? मेल एस्कैरिस में कर्व्ड पोस्टीरियर एंड है एंड उसमें देयर इज अ पेयर ऑफ पीनियल सीटे, ये ऑब्जर्व करने मिलता है. ऑल्सो इट इज नैरोअर वेयर एज द फीमेल एस्कैरिस इज ब्रॉडर एंड मच लॉन्गर इन लेंथ एज कंपेयर टू मेल. एंड उसमें कर्व्ड पोस्टीरियर एंड नहीं है, इट हैज अ स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड. तो ये जो फीचर है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. एंड आप लोगों ने एस्कैरिस का डिजीज तो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई है, दैट इज एस्केरियासिस, जो कंटामिनेट फूड एंड वाटर से पास होता है. तो ये एस्केलमेंथिस, एस्केरिस, राउंडवर्म. फिर नेक्स्ट दो क्रीचर जो दिए गए, दैट इज ऑफ एनालीड्स. ये जो क्रीचर है दैट इज द नेरिस एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज लीच, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं हिरुडिनेरिया. और आपको याद रखना है कि एनालीड्स में हिरुडिनेरिया एंड फेरेटिमा दैट इज अर्थवर्म आते जो बाइसेक्सुअल है, बट नेरिस इज यूनिसेक्सुअल. नेरिस के पास लोकोमोशन के लिए ये पैरापोडिया का प्रेजेंस देखने मिलेगा. लीच में सकर्स होते हैं जिसके थ्रू दे परफॉर्म देयर लोकोमोशन. एंड अर्थवर्म, अर्थवर्म पे तो अलग से ही चैप्टर है, अर्थवर्म या फेरेटिमा जो है उनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीटे, विच इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन. तो ये एनालिडा के मेंबर्स हो गए हिरुडिनेरिया. और हिरुडिनेरिया से और एक वर्ड भी मुझे याद आता है जो मैं बताने के लिए नहीं रुक सकता, बताना ही चाहिए, हिरुडिन, विच एक्ट एज एन एंटी कोएगुलेंट. है ना, रिमाइंड करा दिया तो अच्छा ही है कि कुछ भूल ना जाओ. फिर उसके बाद आता है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, दैट इज आर्थ्रोपोडा. और जब फर्स्ट टाइम मैंने ये डायग्राम देखा था तो मैंने एक एमसीक्यू मार्क कर दिया था ग्रास हॉपर, कि ग्रास हॉपर लगता है बट है नहीं, दिस इज लोकस्टा. लोकस्टा या लोकस, इट इज कंसिडर्ड एज द ग्रेगेरियस पेस्ट. तो स्ट्रेट फॉर्ड एमसीक्यू आएगा विच इज द ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा, जो ग्रास ऊपर जैसा दिखता है बट आपको मार्क करना है लोकस्टा, ग्रास ऊपर नहीं मार्क करना है. ये तो बटरफ्लाई हो गया, या फिर इसका साइंटिफिक नेम जो है रॉप्लेकोरा करके है साइंटिफिक नेम, बट आपको नहीं पूछा जाएगा, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का है. फिर दूसरे दो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें वन ऑफ देम इज स्कॉर्पियन एंड दूसरा जो है दैट इज प्रॉन्स. स्कॉर्पियन का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है पेलेमनियस, पेलेमनियस. एंड प्रॉन का साइंटिफिक नेम है पेलियमॉन, पेलियमॉन. तो मैं कैसे याद रखता हूँ, तो प्रॉन्स एंड होते विद एन, उसमें साइंटिफिक नेम में भी एन से एंड हो रहा है. स्कॉर्पियन जो है उसका नाम शुरू होता है एस से, उसमें पेलेमनियस आता है. तो पेलेमनियस स्कॉर्पियन एंड पेलियमॉन इज प्रॉन, ये साइंटिफिक नेम एनसीईआरटी में दिए गए हैं. जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकते हैं, इसके लिए मैंने बताया. आर्थ्रोपोडा का कॉमन फीचर जॉइंटेड अपेंडेजेस. और इंसेक्ट्स तो हमेशा सबसे ज्यादा ही होते हैं, 7 out of 10 एनिमल्स is insects, diversity, ecosystem का ये point है. Next is mollusca. Mollusca में this is the apple snail, जिसको बोला जाता है pila, and दूसरा है devil fish, that is octopus. So devil fish is octopus, and pila is apple snail. और एक चीज आपको बता दूँ कि octopus जो है that is under cephalopoda, and ये जो है apple snail या snail, all the snails they are under gastropoda. मोलस्का में ओपन सर्कुलेशन देखने मिलता है सिवाय सेफेलोपोड्स. सेफेलोपोड्स में क्लोज्ड सर्कुलेशन देखने मिलता है. तो एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताना जरूरी था मुझे, इसके लिए ये रिमाइंडर दे दिया. तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्लोज सर्कुलेशन वाले भी होते हैं, उसमें और एक आता है कटल फिश, इवन दैट इज अ सेफेलोपोड, उसमें भी क्लोज सर्कुलेशन ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट इज एकिनोडर्माटा, स्पाइनी स्किन वाले ऑर्गेनिज्म जिसमें
वन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज द स्टारफिश जिसका नाम है एस्टेरियास. पेंटामेरस सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री ऑब्जर्व करने मिलेंगे. और यहाँ पे जो है दैट इज ऑफियोरा. ऑफियोरा इज द ब्रिटल स्टार, इसको ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं. तो इसमें पूरा ब्रिटलनेस है, ये सब चीज गायब हो गया है जो हम लोग को स्टारफिश में देखने मिलता है. और स्टारफिश में रीजनरेशन पावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. तो एक एस्टेरिया दिया है और दूसरा जो क्रीचर दिया दैट इज ब्रिटल स्टार या फिर साइंटिफिक नेम है ऑफियोरा. बाकी तो एग्जाम्पल्स में बहुत सारे, सी क्यूकम्बर है, सी अर्चिन है, सब बहुत सारे हैं. तो वो साइंटिफिक नेम आपको एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू करने हैं. नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा जिसमें बैलेनोग्लॉसिस एंड साइकोग्लॉसिस इज द एग्जाम्पल. ये बैलेनोग्लॉसिस का डायग्राम है जिसमें तीन पार्ट आपको देखने मिलते हैं, जिसमें वन पार्ट इज प्रोबोसिस कॉलर एंड द थर्ड पार्ट इज ट्रंक. प्रोबोसिस में फ्यूचर डॉक्टर्स ऑब्जर्व किया जाता है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं बकल डाइवर्टिकुलम, विच वॉज कंसिडर्ड एज अ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. इसीलिए इसको हेमिकॉर्डेट बोला गया था. इसको कॉर्डेटा में पहले रखा गया था, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया इंटू नॉन कॉर्डेट. इट्स अ डेफिनेटली नॉन कॉर्डेट, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. सो दैट इज द लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट. फिर कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक का एक जनरल डायग्राम दिया हुआ है. कॉर्डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या रहेगा, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस. बट आपको याद रखना है फ्यूचर डॉक्टर्स, नोटोकॉर्ड इज नॉट द डॉर्सल मोस्ट. इट इज नॉट द डॉर्सल मोस्ट. एक्चुअली डॉर्सल मोस्ट है नर्व कॉर्ड, फिर आता है नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड हो गया, और फिर वेंट्रल सरफेस पे फेरिंजियल गिल स्लिट्स ऑब्जर्व करने मिलते हैं. ये सभी कॉर्डेट्स में देखने मिलेगा एंड पोस्ट एनल टेल. तो डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ आएंगे तो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड गिल स्लिट्स, एंड पोस्टीरियर साइड पे एनल टेल का प्रेजेंस देखने मिलेगा. तो ये हर कॉर्डेटा में मिलेगा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, जो तीन सब फाइलम है कॉर्डेटा के. फिर ये जो डायग्राम है दैट इज ऑफ एस्किडिया. एस्किडिया इज अ मेंबर ऑफ यूरोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा जो है उसको हम लोग ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, ट्यूनिकेट्स या ट्यूनिकेटा. और दूसरा आता है सेफेलोकॉर्डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं लैंसेलेट्स, उसका कोई डायग्राम दिया नहीं है. तो एस्किडिया है, हर्डमेनिया है, डोलियोलम है, ये सब यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया दैट इज ऑफ अ जॉलेस फिश. जॉलेस वर्टिब्रेट्स को हम लोग बोलते हैं एग्नाथा, और उसमें ये जो क्लास आता है उसको बोला जाता है साइक्लोस्टोमाटा. तो दिस आर जॉलेस फिशेज. एज यू कैन सी यहाँ पे जॉ वगैरह का एब्सेंस है. एंड एग्जाम्पल दो है, एक तो पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन को लेम्प्रे भी बोला जाता है, तो आपको और एक नाम भी याद रखना लेम्प्रे. और दूसरा है मिक्सिन. तो मिक्सिन का डायग्राम नहीं दिया गया, मिक्सिन इज ऑल्सो नोन एज हैगफिश. और ये एक्टोपैरासाइट्स है, ये फिशेज साइक्लोस्टोमाटा के एक्टोपैरासाइट्स है. दे सक द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट फिशेज. तो ये सक्टोरियल सर्क्यूलर माउथ वाले फिशेज है जिसमें ऑलमोस्ट 7 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स देखने मिलते हैं, 7 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स. फिर नेक्स्ट आता है पाइसिस. पाइसिस इज अ सुपर क्लास जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेज मतलब कॉन्ड्रेक्टाइस, जिसमें एक दिया है स्कॉलियोडॉन. तो ये स्कॉलियोडॉन के बारे में दिखाया गया, स्कॉलियोडॉन इज डॉगफिश, तो ये कॉन्ड्रेक्टाइस है. एंड दूसरा दिया है प्रिस्टिस, और उसका ये माउथ पार्ट देख के आपको पता चलना चाहिए ये सॉ जैसा है, इट इज कॉल्ड एज सॉफिश. तो प्रिस्टिस इज सॉफिश, Scolodon is dogfish because of a very good sense of smell. It is called as a dogfish. So, two contractiles diye aur ostrichthyes ke bhi two examples hai, jisme se ek hai hippocampus. Ye wala hippocampus is seahorse aur ye marine ostrichthyes mein hai. Aur dusra jo hai that is katla. Ye jo dusra diagram diya gaya that is of katla, which is a freshwater fish. So, hippocampus is seahorse, marine water fish hai, and katla is a freshwater fish. Dono hi ostrichthyes hai, bony फिशेस के कैटेगरी में रखे गए. फिर आते हैं एम्फीबिया, सुपर क्लास टेट्रापोडा क्लास एम्फीबिया, जिसमें टेल्ड एम्फीबियन जो है इसमें टेल दिख रहा है दैट इज सैलामेंडर, साइंटिफिक नेम सैलामेंड्रा. और दूसरा जो नीचे क्रीचर आप लोगों को देखने मिल रहा है दैट इज रैना टिग्रीना, विच इज नथिंग बट फ्रॉग. तो रैना टिग्रीना इज अ फ्रॉग. और एक एग्जाम्पल जो है दैट इज बूफो, दैट इज टोड, जिसका ड्राई बॉडी होता है. एंड ये जो है दैट इज सी फ्रॉग जो रिप्रेजेंट किया. देन आते हैं रेप्टाइल्स पे. रेप्टाइल्स में फर्स्ट है कमेलियन. कमेलियन का डायग्राम देख के आपको क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे ये ऐसा ट्री जैसा पार्ट दिया गया है, इट इज कॉल्ड एज ट्री लिजर्ड. तो याद रखना है कमेलियन इज नोन एज ट्री लिजर्ड. फिर क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम इज क्रोकोडाइलस, बहुत ही सिंपल है. फिर नाजा नाजा, इसका जीनस भी सेम, स्पीशीज भी सेम. जब भी सेम होता है जीनस एंड स्पीशीज उसको हम लोग बोलते हैं टॉटोनिम्स. और नाजा नाजा इज अ scientific name of cobra, it is a poisonous snake. और एक है शेलॉन,
शेलॉन जो है ये टॉर्टोइज नहीं है, ये टर्टल है, आपको याद रखना है. टॉर्टोइज का साइंटिफिक नेम है टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो. तो टॉर्टोइज इज अ डेफिनेटली अ टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल, ये एक्वेटिक रेप्टाइल आ जाएगा, दैट इज टर्टल, दैट इज शेलॉन, उसका साइंटिफिक नेम शेलॉन है. तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट, काफी लोग शायद फर्स्ट टाइम होगा, हाँ यार ये ऑब्जर्व नहीं किया. तो दिस आर ऑल रेप्टाइल्स, लिम्बलेस, सॉरी रेप्टाइल्स आर क्रॉलिंग एनिमल्स, तो ये क्रॉलिंग है जिसमें लिम्बलेस आर स्नेक्स. फिर आता है एव्स, जिसमें एक है नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन इज वल्चर, वल्चर. देन स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच. देन इज सिटाक्यूला, दैट इज पैरेट, पैरेट का साइंटिफिक नेम सिटाक्यूला, थोड़ा अलग है. पैवोक्रिस्टैटस, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज पिकॉक. तो ये आपको कोई वल्चर ऑस्ट्रिच पैरेट नहीं देगा, आपको साइंटिफिक नेम देगा. तो नियोफ्रॉन वल्चर, स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच, सिटाक्यूला इज पैरेट, पैवोक्रिस्टैटस इज पिकॉक. और भी बहुत सारे साइंटिफिक नेम एनसीईआरटी में, बट इतने एटलीस्ट डायग्राम बेस्ड आपको पता होना ही चाहिए कि इसके ऊपर के स्ट्रूथियो इज विच टाइप ऑफ शोज विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. तो आपको पता होगा कि स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच है, तो आप लोग मार्क कर पाओगे अच्छा ये ओविपैरस है या इसमें डबल सर्कुलेशन है. दैट इज वाई साइंटिफिक नेम पे आपके साथ खेलने का कोशिश किया जाएगा नीट में, बट हम खेलने नहीं देंगे. नेक्स्ट इज मैमेलिया ग्रुप, द लास्ट ग्रुप, द लास्ट डायग्राम ऑफ डाइवर्सिटी. तो दिस इज ऑर्निथोरिनकस, ऑर्निथोरिनकस इज platypus, tug-billed platypus, and this is the only oviparous mammal. Oviparous में तो echidna भी आता है, that is spiny anteater or platypus. So these are connecting link between reptiles and mammals. So ये platypus आ गया. Then macropus, macropus is kangaroo. So kangaroo का scientific name है macropus, kangaroo. फिर pteropus, that is flying fox. NCERT में उसको flying fox बोला है. These are bats only, these are mega bats. The only flying mammal is bat. And Balaenoptera, Balaenoptera is blue whale, largest mammal on the earth. So this is the blue whale. So this is the scientific name Ornithorhynchus, that is the platypus, Macropus is kangaroo, Pteropus is flying fox, your bat, and Balaenoptera is the blue whale. So this is saath NCERT ke almost इतने सारे 40 से भी ज्यादा डायग्राम्स हम लोगों ने डिस्कस किए, बट सिर्फ डायग्राम्स नहीं, उसके साथ और भी हम लोगों ने फीचर्स भी आपके साथ रिवाइज किया. होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगा फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड हम लोग और नेक्स्ट यूनिट्स के साथ भी आगे बढ़ेंगे. दैट्स ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स फ्रॉम दिपेनिज्म. बाय.